हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा, देखिए बहुत ही खतरनाक ये खबर दिख रही है ग्लोबल मार्केट से। फेसबुक का शेयर, एप्पल का शेयर, अमेजोन का शेयर, गूगल का शेयर, एडोबी का शेयर, ये बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं। लेकिन आज जो हालत इन शेयर्स की देखने को मिल रही है, जैसे कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर जितनी खरीदारी यहाँ हुई और उसी तरीके से अब लग रहा है कि उसी स्पीड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इन शेयर्स को। और यूएस मार्केट के जो हालात है वो कल की डेट में इंडियन मार्केट को भी हालत उसकी खराब कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ही खबर है, इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से इंडियन मार्केट पे भी पड़ सकता है टेक्नोलॉजी शेयर्स के ऊपर। चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं सीधे लेके जाता हूं आपको, देखिए डाउ जोन्स में जो गिरावट में देख पा रहा हूं वो 700 पॉइंट की गिरावट देख पा रहा हूं। नैस्डेक में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की गिरावट देख रहा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो नैस्डेक 5% के आसपास गिरा हुआ है, बल्कि डाउ जोन्स 2.5% के आसपास गिरा हुआ है। जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ टाइम में नैस्डेक ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी और अपने, मैं कहूंगा अपने प्री कोविड वाले एरा से काफी ऊपर ये निकल चुका था। ये मान के चलिए जितना गिरा था उस लेवल पे पहुंच के उतना ही ऊपर ये जंप करके चला गया था। जब इतनी स्पीड यहाँ पे शेयर्स में आई तो प्रॉफिट बुकिंग तो हुई नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। और इस शेयर में बड़ी करेक्शन मैं देख पा रहा हूँ, 600 पॉइंट के आसपास की ये गिरावट चलती हुई नजर आ रही है, 5% के आसपास। और इस शेयर में अगर आज की डेट में देखा जाए तो बड़े भागीदार टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं। आप देख सकते हो फेसबुक का शेयर अकेले 5% के आसपास गिर चुका है, $287 पे आ चुका है। तो आज की बड़ी गिरावट फेसबुक के शेयर में आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। और आप पिछले 6 महीने के डाटा को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तेजी आई और अभी ये करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। फेसबुक का शेयर $150 से $300 पे चला गया था पिछले 6 महीने के अंदर। और अगर मैं पिछले 3 साल का डाटा देखूं इसका, तो आप देख सकते हो कि बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उस गिरावट के बाद बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पे आया था। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग भी सामने सामने हो रही है। और साथ के साथ अगर फेसबुक को देखोगे आप, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $861 बिलियन का है। यही नहीं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एप्पल, यानी कि एप्पल के आईफोन, जो आप देखो आईफोन हर कोई यूज करता है, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम हर कोई यूज करता है, मैक मशीन हर कोई यूज करता है, लेकिन इसके शेयर को देखिए, फेसबुक से कहीं ज्यादा गिरावट एप्पल के शेयर्स में देखने को मिल रही है। 7% के गिरावट में यहाँ एप्पल के शेयर्स में देख पा रहा हूँ। और अगर मैं एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो कहीं ज्यादा, ये देखिए कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, आप कहोगे ये ट्रिलियन में है, $2.25 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ा, फेसबुक से कहीं ज्यादा मैं कहूंगा। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आज की डेट में देखने को मिल रही है। अगर आप कंपैरिजन करो कि गिरावट के टाइम पे, देखिए गिरावट ज्यादा नहीं थी इसमें, लेकिन उसके बाद बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन आज की डेट में प्रॉफिट बुकिंग 7% की गिरावट मुझे एप्पल के शेयर्स में देखने को मिल रही है। अगर मैं चलूं अल्फाबेट यानी कि गूगल के शेयर्स में, तो 5% के आसपास की गिरावट मुझे गूगल के शेयर्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन कोरोना की न्यूज की वजह से जो गिरावट आई थी उसके बाद शेयर्स में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। बट अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम ऐसा लग रहा है कि लोगों को, जब देखिए शेयर इतनी तेजी से भाग रहे विदाउट एनी बिग करेक्शन, तो कहीं ना कहीं करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और उस करेक्शन का होना भी जरूरी है ताकि फ्रेश एनर्जी यहाँ पे आ पाए। और आप ये देखिए एप्पल के बाद एडोबी के शेयर को देखिए, यहाँ पे 7% की गिरावट यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और एडोबी का शेयर भी, एडोबी फोटोशॉप आपने जरूर यूज किया होगा, तो एडोबी के शेयर को भी आप देखिए कि पिछले 6-7 महीनों के अंदर यहाँ पे भी जबरदस्त गिरावट, ज्यादा नहीं थी लेकिन उसके बाद जंप बहुत ही खतरनाक था। उस जंप के बाद अब ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आप देख पा रहे हो। और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी शेयर्स में मेजर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और अमेजोन के शेयर को तो मैं आपको अभी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर से यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए अमेजोन का शेयर $1.77 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, गिरावट 5% से ज्यादा की। तो बड़ी गिरावट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो है डाउ जोन्स में,
नैसडेक में ज्यादा गिरावट है, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो 4.84% की है, 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट नैसडेक में आ चुकी है। और अगर मैं इसी के साथ साथ निफ्टी के इंडेक्स को देखूं, सिंगापुर निफ्टी, तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सिंगापुर निफ्टी गिरा है, 11,560 के लेवल से 11,360 के लेवल पे आ गया, यानी कि सीधे सीधे 200 पॉइंट की गिरावट मुझे सिंगापुर निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो अब हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है यहाँ पे कि जब ये मार्केट इस तरीके से यहाँ पे गिरेगी तो सुबह के टाइम पे एशियन मार्केट जब सुबह का जो वीडियो अपलोड करते हैं वहां वो इंपॉर्टेंट वीडियो है 8 बजे के आसपास आपको जरूर मिलता है, तो वो एशियन मार्केट पे रिएक्शन दिखा रहता है कि कैसे रिएक्शन एशियन मार्केट पे इसकी ओवरऑल चल रही है, ताकि उसके हिसाब से जो है निफ्टी यानी कि इंडियन मार्केट मूव करती है। तो ओवरऑल आपने ये शेयर्स तो देखे, अब जरा एडीआर को देखते हैं। जब कभी भी आपको ये लगे कि अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट है, बड़ी तेजी है, तो इंडिया के कुछ शेयर्स वहां पे ऑलरेडी एडीआर की फॉर्म में यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में लिस्टेड होते हैं, आप उनको एक नजर देखिए कि इंडिया के शेयर्स पे कैसा असर उसका है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन्फोसिस के एडीआर में मुझे 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में मुझे 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, ईरोस के एडीआर में मुझे देखिए 6.89%, टाटा मोटर्स में ज्यादा गिरावट नहीं है, एचडीएफसी बैंक के एडीआर में 2.5% के आसपास की गिरावट, वेदांता 3-3.5%, और अगर मैं देखूं यहाँ पे साथ के साथ डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में ज्यादा गिरावट नहीं है। तो ये ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये एक्सिस बैंक के एडीआर में ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन है। तो ये एडीआर के प्राइसिंग के हिसाब से अभी आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में बड़ी गिरावट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, साथ के साथ इन्फोसिस के एडीआर में भी। तो ये एडीआर की परफॉर्मेंस आपने देखी, और साथ के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी की तरफ, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे कल की डेट के लिए दिख रहा है। देखिए जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे थे कि भाई बड़ी गिरावट आई है, अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको 2-3 दिन देखने को मिल सकता है इस बड़ी गिरावट, लेकिन याद रखें अगर ये लेवल टूटता है तो हम और पेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कहे ऐसा कैसे, देखिए जब भी आपका डाउनसाइड स्टार्ट होता है, देखिए डाउनसाइड ये गया और ये आपको थोड़ा सा हॉल्ट देगा, इसको हम कहते हैं इंपल्स, इसको क्या कहते हैं करेक्शन। अब इस करेक्शन को जब आप देखोगे तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फिर ये डाउनसाइड की चीजें होती है। देखिए इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब ये पॉइंट टूटता है बॉटम, तो पेन एग्जैक्ट पेन आपको यहां से स्टार्ट होता है कि हाँ भाई अब ये तो गया, इस तरीके से सिचुएशन। और यहाँ पे हमारे पास मंडे को इंपल्स बनी थी, बहुत ही बड़ी झटके वाली कैंडल, और ऐसी झटके वाली कैंडल थी जो कि अपने आप में 450 पॉइंट की गिरावट यहां पे दर्ज की गई। तो ये इंपल्स बनने के बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके साथ ही साथ अब अगर कल ये पॉइंट इस तरीके से इस पॉइंट को तोड़ता है, 11,350 के लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो हम इसमें डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सपोर्ट की, वेयर द सपोर्ट लाइज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखो 11,064 के आसपास का ये लेवल है 50 EMA का, ये सपोर्ट कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट तो यहीं पे है, लेकिन अगर ये पॉइंट भी टूटते हैं तो 10,800 के लेवल पे 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये दोनों सपोर्ट्स हैं। और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या सिचुएशन है, अगर आप निफ्टी को भी देखो, देखिए बार बार हम आपको एक चीज कह रहे थे कि निफ्टी को भी आप देखो तो एक मेजर करेक्शन की, जिस तरीके से नैसडैक बहुत तेजी से तेजी आई और विदाउट एनी बिग करेक्शन, देखिए यहाँ पे निफ्टी को भी अगर आप देखो तो बहुत तेजी, जरूर एक्शन आ ही नहीं रहा, लेकिन करेक्शन रिक्वायर्ड है। और मुझे लगता है कि हाँ देखिए बुलिश क्रॉस हमारे पास वीकली पे बन चुका है, और ये वाला करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करेक्शन आएंगे करेक्शन जाएंगे, लेकिन करेक्शन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देखते हो और समझते हो। लास्ट टाइम का करेक्शन, ये करेक्शन जब आया था और आपने देखा कि इसका रेजोल्यूशन जैसे ही हुआ उसके बाद शेयर क्या जो है कैसे भागे, कैसे दौड़े, यानी कि जून सीरीज के बाद शेयर इतनी तेजी से भागे, और देखिए क्योंकि पहला लेग यहाँ पे तेजी हो गई थी और एक करेक्शन हमको मिल गया था। लेकिन मेजर करेक्शन, छोटे छोटे करेक्शंस वीकली पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो क्लियरली विजिबल है, बट वीकली पे नहीं दिख रहे, तो मुझे लगता है कि हाँ एक बड़े करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट 10,800 से इन लेवल तक के करेक्शन आए तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा बेटर रहेगा अगले इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो फिलहाल सिचुएशन दिख रही है, यूएस मार्केट सिग्नल दे रही है करेक्शन का, और अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो सिचुएशन जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे मुझे हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, और ये देखिए जरा सिचुएशन देखिए, तेजी करेक्शन, हायर लो हमें मिल गया था, हायर हाई की फॉर्मेशन ब्रेकआउट के नियर जरूर गया ये देखिए, लेकिन ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये करेक्शन अगर रिजॉल्व होता है देन इट इज वेल एंड गुड, बट अभी डाउनसाइड
जिस तरीके से हालात बनते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ हम यहाँ पे डाउन साइड भी आ सकते हैं। और डाउन साइड में जो मेजर लेवल है, जो बॉटम टूटने का लेवल है, वो आवरली पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये लेवल है, अगर यहाँ पे पेन आता है तो फिर गेन नहीं पेन ही रहेगा। और आप एक बात को क्लियर हमेशा याद रखें, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए रिस्क को मैनेज करके चलना है। प्रॉपर स्टॉप प्रोसेस आपके होने चाहिए, चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी हो या छोटी इन्वेस्टमेंट हो। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो आपका डीप स्टॉप लॉस होगा, लेकिन रिस्क को हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे बहुत सारा रिस्क है, लेकिन रिस्क को आपको मैनेज करके चलना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।